विश्व भर में हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। ऑर्गन डोनेशन डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके उसका संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक भारत में हर साल 5 लाख लोगों की मौत समय पर ऑर्गन नहीं मिलने की वजह से होती है, जबकि कहा जाता है कि एक इंसान अपने ऑर्गन डोनेट कर 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा अंगदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी अक्सर तब किया जाता है जब लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा रक्त के थक्के जमना, हानिकारक बैक्टीरिया का प्रभाव हो, लिवर थोड़ा या अधिक क्षतिग्रस्त हो, ऐसे में स्वस्थ व्यक्ति के लिवर दान लेकर रोगी व्यक्ति के लिवर को निकालकर स्वस्थ लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल सक्सेना से विशेष चर्चा में। लिवर खराब होने का जो सबसे प्रमुख कारण हमारे एरिया में देखने को मिलता है वो है शराब। ज्यादा शराब पीने से, अनकंट्रोल्ड शराब के सेवन से लिवर खराब होता है। इसके अलावा लिवर खराब होने का एक दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण अभी देखने में आ रहा है वो है मोटापा। कोविड काल में लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे बैठे हैं, काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, तो मोटापे का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। ये जो मोटापा है ये बहुत सारी समस्याओं का को जन्म देता है, जिसमें से लिवर का खराब होना एक इम्पोर्टेंट समस्या है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन भी लिवर खराब करता है। इसके अलावा कुछ आनुवंशिक बीमारियां हैं जिनकी वजह से बच्चों में भी लिवर सिरोसिस या लिवर का खराब होना देखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया, लिवर खराब होने का सबसे मुख्य कारण है शराब, तो जहां तक हो सके शराब का अनियमित सेवन नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में शराब लेनी चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, इसके लिए एक अच्छी वैक्सीन उपलब्ध है बाजार में, जब हमें मौका मिले तब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं, जैसे हो सके अगर हमें कुछ पता चलता है हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के बारे में तो हमें वो अब डॉक्टर को दिखा के, लिवर स्पेशलिस्ट को दिखा के सही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा खाना और साफ सुथरा पानी जो है वो लिवर के लिए बेहद आवश्यक है। देखिए, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसे नाम में ही है कि इसमें अल्कोहल का अनियमित सेवन इसका रीजन है। इसके कई कारण होते हैं। स्ट्रेसफुल जिंदगी है, रिलेशनशिप्स में आजकल जो तनाव आता है वो एक वजह हो सकती है, और जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारे देश में है वो भी इसका एक मेन रीजन है। हमारा जो खाना है वो अच्छा उतना अच्छा नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जितना हेल्दी खाना होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। पानी की हमारे यहाँ पे समस्या है, पानी साफ सुथरा पानी एक चैलेंज है मिलना, तो ये सब चीजें मिलके लिवर की बीमारियां होती हैं। लिवर डोनेशन एक मेंदू मृत व्यक्ति, ब्रेन डेड डोनर से हो सकता है। जब कोई हमारे पास में ऐसा मरीज आता है जिसके सर पे मार लग गई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई ट्यूमर है, ब्रेन डेड हो गया लेकिन उसका हार्ट अभी भी पंप कर रहा है, हार्ट अभी भी चालू है, ऐसे व्यक्ति को के परिजन अगर ऑर्गन डोनेशन की बात करना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेशन देना चाहते हैं, तो इसके इनसे 8 प्रकार के ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं। इसमें हार्ट है, लंग है, लिवर है, किडनीज है, पैनक्रियाज है, आंखें शामिल है। एक बार किसी ब्रेनडेड व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो जो क्षेत्र की जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उनके पास में जितने भी जरूरतमंद मरीज हैं उनकी एक लिस्ट मौजूद होती है, उस लिस्ट के अनुसार ऑर्गन्स का आवंटन किया जाता है, तो जो लिस्ट में पहले नंबर पे है उसे पहले ऑर्गन मिलेगा। इस हिसाब से लिवर का आवंटन किया जाएगा और एक बार आवंटन होने के बाद में उस पेशेंट को हॉस्पिटल बुलाया जाएगा और उसका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही मेजर सर्जरी है, एक बड़ा ऑपरेशन है, गवर्नमेंट इसकी इजाजत हर हॉस्पिटल को नहीं देती है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपने यहाँ की सारी सुविधाएं, सारे फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। सो उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है, जो लाइसेंस्ड हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ उन्हीं में ट्रांसप्लांट हो पाएगा। डोनर के लिए ऑर्गन डोनेशन करने की प्रक्रिया जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। सिर्फ अगर कोई
एक्सीडेंट का केस है तो उसको मेडिको लीगल पोस्टमार्टम करने की जरूरत होती है, बाकी उसे किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। पेशेंट जो पेशेंट्स हैं हमारे पास में, उनको अपना नाम जैसे मैंने बताया कि क्षेत्र की कमिटी के पास में रजिस्टर कराना होता है, जब ऑर्गन मिलेगा तब उनका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। भारत देश में 50,000 लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है हर साल, लेकिन हम जो है सिर्फ 2,000 से 2,500 लिवर ट्रांसप्लांट ही कर पाते हैं। इसके लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल पार्ट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। अमूमन लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा 20 से 25 लाख रुपए के बीच में आता है। इसमें सरकार की तरफ से अराउंड 3 से 5 लाख रुपए की मदद मिलती है। इसके अलावा काफी सारी एनजीओज हैं, काफी सारी संस्थाएं हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसों से मदद कर सकती हैं। अगर पेशेंट बच्चा है, 17 साल से कम उम्र है, तो काफी अच्छे अमाउंट में, काफी अच्छे मात्रा में पैसों का अरेंजमेंट किया जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन करना ये सबसे बड़ा सेल्फलेस एक्ट है, और किसी को जिंदगी देना इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। अगर हम अपनी जीवित अवस्था में किसी की मदद कर पाते हैं तो इसे सबसे अच्छा काम माना गया है। अगर मरने के बाद हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के पार्ट्स किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां तक मौका मिले ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचें। आपके कोई परिचित हैं, अपनी फैमिली का कोई मेंबर है जो किसी कारणवश ब्रेन डेड हो गया है, तो ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में जरूर निर्णय लें। इससे आप कई आने वाले कई सालों तक आप जीवित रहेंगे, किसी दूसरे के आंखों में, किसी दूसरे की किडनीज में, लिवर में, हार्ट में आपकी यादें बनी रहेंगी, और इससे कई लोगों की जिंदगी सुधरेगी। देखिए, अगर मैं वेदों की बात करूं, अगर मैं हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करूं, तो शरीर जो है वो तो आपका इसी जन्म में, इसी दुनिया में छूट जाएगा, आत्मा जो है वो आगे चली जाती है, आगे बढ़ जाती है। सो ये बात सोच के अपने ऑर्गन नहीं देना, ये हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के रेट्स कम होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। बट मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि आगे का जन्म, आगे की जिंदगी तो किसी ने नहीं देखी है, लेकिन आज हम हमारे हाथ से हम किसी की जिंदगी अच्छी बना सकते हैं, तो हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो अगर हम पुनर्जन्म के बारे में सोचें तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आंखें हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में लग जाने के बाद, ट्रांसप्लांट होने के बाद में, वही आपका पुनर्जन्म है। आप ये समझना चाहिए कि आपने एक नई जिंदगी प्राप्त की, और एक नहीं शायद 8 जिंदगियां प्राप्त की हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती।